हाय फ्रेंड्स, डीटच डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर सऊदी में हैं और एसटीसी मोबाइली सिम यूज़ कर रहे हैं, तो जो अपने मोबाइल में रिचार्ज रहता है उसको आप लोग इंडिया में, इंडिया के मोबाइल में अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने वाइफ को आप लोग रिचार्ज करवा सकते हैं। कभी कभी यार क्या होता है, आप लोगों के घर में कोई आदमी रहता नहीं है, फैमिली में एक लेडीज़ एकली रहती है और उन जेंट्स कोई नहीं रहता है, तो आप लोग दूसरों को नंबर देना पड़ता है, बाद में रिचार्ज भी करवाते नहीं, एक एक टाइम में रिचार्ज टाइम में मिलता नहीं है। तो आप लोग सऊदी से आप लोग उधर इंडिया में रिचार्ज करवा सकते हैं। कभी कभी यार क्या होता है, दुकान वाले भी जो सऊदी में, वो लोग भी हमारे पैसा लेकर इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम लोग से वो लोग इधर से 2 रियाल उन लोगों को ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। अगर आप लोग अपने मोबाइल से खुद ट्रांसफ़र करेंगे तो आप लोगों को 2 रियाल का फ़ायदा भी है। वो लोग अपना चार्ज के हिसाब से 2 रियाल लेते हैं ज़्यादा। आप लोग इधर बिना 2 रियाल दिए हुए और अपने मोबाइल में जब आप लोग रिचार्ज करेंगे, तो एक तो आप लोगों को वैलिडिटी भी ज़्यादा मिलेगी और दूसरा आप लोगों को एक पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। इसलिए मैं इसमें सब आप लोगों को डिटेल बता जाऊँगा, इंडिया में कैसा एक पैसा ट्रांसफ़र करना है मोबाइल या और एसटीसी के थ्रू। तो आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो सब्सक्राइब बटन को ओके करो। ऐसे ओके करने के टाइम में बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी क्लिक करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इधर न्यू, आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। और देखो वीडियो है जो वीडियो फोल्डर, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे और भी वीडियोस है, जो आप लोगों को कौन सा पसंद आता है उस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर भी बना के रखा है, इधर भी जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। और अभी मैं इसी वीडियो को चालू करता हूँ आप लोगों को सब डिटेल में बताने के लिए। तो आप लोग अभी SMS में आ जाओ। इसके लिए आने के बाद देखो, अगर आप लोग इंडिया का रेट जानना चाहते हैं और एसटीसी को सिम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को देखो 801500 को ऊपर आप लोग इंडिया लिखना है। अगर आप लोग पाकिस्तान का करेंसी जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान लिखना है, बांग्लादेश का करेंसी जानना चाहते हैं तो बांग्लादेश लिखना है। तो इसे ओके करो। ओके करने के बाद देखो आप लोगों को लिस्ट आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 ऐसा एक डिटेल आ जाएगा। 1 नंबर आप लोग प्रेस करने के बाद देखो 65 इंडिया का रुपीस जाएगा, 2 में 100 रुपीस जाएगा, 3 में 250 रुपीस जाएगा, 4 सेलेक्ट करने के बाद 1000 रुपीस जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इनबॉक्स में आप लोगों को 801500 को सेंड करना है और वो सेंडर नंबर है, और उसमें मैसेज में आप लोगों को लिखना है 133 और स्टार लिखना है। स्टार लिखने के बाद देखो इंडिया का नंबर चाहते हैं तो इंडिया का, बांग्लादेश का चाहते हैं तो बांग्लादेश का, और आप लोग उधर का नंबर लिखो। मैं अभी नंबर लिख देता हूँ, इस तरह। देखो नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इधर प्लस, जो प्लस लिखना चाहिए या 00 लिखना चाहिए वो करने के बाद, पूरा नंबर लिखने के बाद देखो स्टार लगाने के बाद आप लोगों को वैल्यू लिखना है। अभी आप लोगों को कितना सेंड करना है, मुमकिन 250 सेंड करना है तो 3 करो, अगर 1000 करना है तो 4 करो, इस तरह आप लोगों को करना है। अभी मैं एक 4 को ये करता हूँ। जब आप लोग 4 को ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो बाद में आप लोग उस नंबर को सेंड करो। सेंड करने के बाद देखो आप लोगों का मैसेज सेंड हो जाएगा। सेंड होते ही देखो आप लोगों को एक रिप्लाई आ जाएगा। देखो एक मैसेज आया मुझे, ये मैसेज आने के बाद देखो आप लोगों को उस मैसेज को ओपन करना है। उस मैसेज को ओपन करने के बाद देखो इंडिया में इतने पैसे के लिए आप लोगों को 84.5 SR कट हो जाएगा। आप लोग अगर कंफर्म है तो इधर ओके कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, इतना रुपीस रहना चाहिए। अगर आप लोग कम का रेट करना चाहते हैं तो सेम ऐसा ही मेथड फॉलो करके, देखो मैं इधर कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। अभी मैं इधर 3 लिखता हूँ,
बाद में सेंड करता हूँ। देखो अभी मुझे एक मैसेज आएगा, अभी इंडिया का 250 रुपीस अगर सेंड करना है तो 21 SR कट हो जाएगा, इतना आप लोगों के एक रखना है। बाद में आप लोगों को सिंपली इधर उस मैसेज के नीचे ही वाई लिख के सेंड करना है, वाई लिख के सेंड करना है, बाद में आप लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप लोगों को दो मैसेज आएगा, एक ट्रांसफ़र को जा रहा है बोल के, दूसरा कंफर्म ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह आप लोग एसटीसी में पैसा सेंड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो हिसाब से। अगर आप लोग मोबाइली में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देखो ये मोबाइली क्या है, मोबाइली में आप लोग ऐसा ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइली ने डायरेक्ट इधर आप लोगों को नंबर पैसे का लिस्ट भी दे देती है। देखो इंडिया का इतना ये है, और जो लिस्ट है आप लोग अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का ये लिखना चाहिए, और बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का। अभी देखो 35 इंडियन रुपीस को 4 रियाल 32 हलाला जाएगा, अगर 65 इंडियन रुपीस को 6 रियाल 4 हलाला जाएगा। इस तरह देखो आप लोगों को 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो 600009 00 को ऊपर आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने के टाइम में आप लोगों को सिंपली पहले इंडिया का नंबर लिखना चाहिए इधर, देखो टी आर लिखना चाहिए। अगर आप लोग इंडिया है या पाकिस्तान है कौन सा है तो उधर आप लोगों को फुल नंबर उसका सेलेक्ट करना है। इस तरह आप लोगों को नंबर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली उसको सेंड को बटन को ओके करना है। सेंड को बटन ओके करते ही देखो आप लोगों को पूरा डिटेल आएगा। अभी ये डिटेल आने के बाद आप लोगों को सेलेक्ट करना है, देखो आप लोगों के मोबाइल में कितना पैसा है वो हिसाब से आप लोग कितना सेंड करना चाहते हैं वो हिसाब से आप लोग इधर सेंड कर सकते हैं। इसके लिए देखो अगर आप लोग 6 करना चाहते हैं तो 6 इधर लिखो, अगर आप लोग 1000 सेंड करना चाहते हैं, अगर 245 सेंड करना चाहते हैं तो 5 लिखो, बाद में इधर सिंपली क्लिक करके ओके करो। इस तरह आप लोगों का पैसा जो इंडिया में है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आसान से आप लोग किधर भी गए बगैर घर में बैठ के आप लोग इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और देखो नीचे सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, बाजू में बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को भी क्लिक करो, और भी हमारे वीडियोस है आप लोग प्लेलिस्ट में ये वीडियो फोल्डर में जाके देख सकते हैं।